मैंने एक चीज देखी है सन्नी पाजी, लार्जर देन लाइफ पर्दे पे गुस्सा बड़ा, एक्सप्रेशन बड़े, हाथ बड़े। आज देखो सन्नी पाजी आए हैं सब्जी, मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गाजर नहीं देखी कभी, इतनी बड़ी कड़छी मैंने कभी पहली बार नहीं देखी ये। अगर सातो एक बाप के तो रुक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा सातो को, साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। शादी हो गई आपकी? यस सर। फिर भी इतनी बुलंद आवाज है। कमाल है यार। जहाँ जाते हो गड़िया छोड़ आते हो, इसीलिए जगह जगह जाम लगा हुआ है, हाँ इसीलिए लेट आते हो। ऐसे ये कोई तरीका है? सॉरी सर। अरे नहीं, उनको बुरा लगा कि आप टच कर रही थी ना, ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगा। ना 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 ना, रिहर्सल नहीं हुई थी ना, तो ना सच में दादी से पूछ लीजिए, हमारी रिहर्सल नहीं हुई थी, यहीं पे सीधा आके क्या है। मेरी भी कार रिहर्सल हुई थी, मैं भी तो यहाँ आके कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं मंजू जी आपके साथ। चलो ठीक है जा। अब आप कहाँ जमा होंगे आप? अब तो अस्पताल में जमा होंगे। मंजू जी आपके लिए गाना है। अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी मुझे सुबह सुबह सपना आया मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और मेरे पीछे राजू जैसे नहीं पढ़े लिखे हजारों नौकर घूम रहे हैं। और मुझे इतना पता है कि सुबह का सपना जो होता है वो कभी झूठ नहीं होता, हमेशा सच होता है। नमस्कार सर, किनसे मिलना है? साहब जी मैं राजू आपका नौकर। वो तेरा सूट देख के मेरी नमस्ते निकल गई, मुंह तो मैंने अभी देखा। देखो बाजी मेरा नौकर सूट वूट पहन के घूम रहा है, मेरा सपना सच होने वाला है। ओ साहब जी मजाक छोड़िए, आपको पता है मुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों, आज चिड़ियाघर बंद है? समझ गया, सूट देखकर जलन हो रही ना। पाजी जलन होगी भी क्यों नहीं, जिस बंदे ने लोगों के उतरे हुए डायपर पहने हो सूट देखकर तो जलन होगी होगी ना। मैंने तो लोग उतरे हुए डायपर पहने, इसने मुंह भी किसी का उतरा हुआ पहना हुआ है। तेरे को पता सूट बूट पहनने से कुछ नहीं होता, नौकर को सवाल यही पूछेंगे कि बाथरूम साफ करते हो, ये कर लिया यही सब पूछेंगे, बर्तन धो लिए, बकवास कर रहा है। ये देखो बर्तन मांजने की बात कर कौन रहा है, जिसके खुद के घर में 5 लीटर का कुकर भूखा रह रह के 2 लीटर का बन गया है। उसने तो अपनी सीटी भी अब ट्रैफिक पुलिस वाले को दे दी, कहते भाई साहब आप बजा करो, हमारे घर में कोई काम नहीं आती। अच्छा पतीले जैसे मुंह से ना कुकर जैसी बातें सुनके बड़ा मजा आता है। ठीक है मेरा मुंह गटर जैसा, अब खुश हैं आप? नहीं, गटर के अंदर जो सामान होता है उसके जैसा है। चलिए ठीक है उसके जैसा, आप खुश हैं साहब जी? छोड़ो सारी बातें, बीती बातें खत्म कर दो, आइए जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तू मेरी बीवी है तेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर दो। साड़ी पहन लूं लंबे बाल रख लूं, आपकी बीवी की ज्यादा सो, साड़ी पहन लूं। साड़ी पहन लूं, साड़ी पहन, कोट सूट नहीं करता ना इसको। ये कुर्ते में अच्छा लगता है। तू मेरी बीवी है जिसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं मैं? साड़ी पहन लूं लंबे बाल रख लूं, आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत लगूंगा मैं। थोड़ा सा तो ऐसे हैं लोग। साहब जी आपको बताता हूँ, आपको पता है मेरे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या बात कर रहा है, तेरा तो पेट खराब हो जाए तब कुछ नहीं आता, तेरे तो रिश्ता कहाँ से आ गया भाई, बकवास कर रहा है। साहब जी आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, आपको पता है लड़की वालों को मैंने झूठ बोल दिया है कि मेरा यहाँ पर अपना एक घर है, नौकर चाकर है। किधर है ये देखो। मेरे कहने का मतलब आप एक दिन के लिए मेरे लिए नौकर बन जाओ, मुझे मालिक समझ लो प्लीज। तू मालिक मैं नौकर? हाँ जी। ये ज्यादा हो जाएगा, देख देख ना तेरी ना मेरी, जा तुझे कीड़े पड़े। वाह साहब जी वाह, भूल गए आप कितने काम आया हूं मैं आपके, शादी वाले दिन आपकी घोड़ी ने अपने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया था, मैं घोड़ा बना था आपके लिए। तो अच्छी बात है ना, गधे को घोड़ा बनने का मौका मिला, बुरा क्या है? साहब जी मैं आपके कच्चे तक धोता हूँ। बकवास कर रहा, मैं पहनता ही नहीं धोता। यही चीज मैंने इनको बतानी थी बस। बतानी क्या है इसमें, जो चीज दिखनी नहीं उसमें पैसे काय को खर्च करें।
साहब जी याद करो, कल ब्रेड पर लगाने के लिए आपके पास बटर नहीं था, बटर मैं लेकर आया था। बटर लेके आ रहे हो, देसी साबुन का कपड़े धोने वाला। तो आप भी कौन सी ब्रेड खा रहे हो? सोफे की स्पॉन्ज को आप ब्रेड बोल रहे थे? साहब जी मेरी बात सुनो, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जहां तो फिर एक काम करो, आप मेरा हिसाब कर दो, जहां एक दिन के लिए मेरे लिए नौकर बन जाओ बस। तेरा नौकर बनो? हाँ। हिसाब कितना बेहतर है? 2.5 लाख रुपीस। गमछा कितना है तेरा? देखा ये हुई ना बात। ओए होए 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 होए। ये बड़ी गंदी एक्टिंग कर रहे हो आप। तेरा करेक्टर किया तो गंदा लगा ना तुझे। अब सोच मुझे तो कितना गंदा लगता होगा। साहब जी मैं इस वक्त आपका साहब हूँ, मालिक हूँ मैं। ओए मेरी बात सुनिए तेरा। हाँ जी मालिक। हाँ जी क्या होता है? मालिक से आराम से बात करो पहले। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। कोट पैंट पहनने से कोई मालिक नहीं बन जाता। हाँ। चल एक काम कर। हाँ। तू मेरे को एलिफेंट की स्पेलिंग बता दे, मैं तेरा नौकर बन जाता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है? ई एल ई यहाँ तक ठीक है, कान तक पहुंच गया पूरा। फा फा को एक ही मात्रा, टा फैंट। एलिफेंट लाना था तेरे पे, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। फिर क्या हुआ, हाथी तो मैंने पूरा किया है कि नहीं? अब आप भी अपना वादा पूरा करो, प्लीज गेट आउट। ओ एक बात तो मैं कहनी भूल गया। हाँ जी हाँ जी बोले बोलो। ये लंगूर जैसे मुंह लेके मालिक बनने का आइडिया आया कैसे भाई? गेट आउट। आज पाजी मैंने बिट्टू शर्मा को पटाकर ना नौकर बना दिया, बस मेरी शादी पक्की हो जाए, फिर मैं भी किसी को बोल सकूं एक कप चाय लाना प्लीज। लगता है लड़की वाले आ गए, लड़की वाले आ गए, सब ठीक है ना? एक मिनट, एक मिनट है भाई। हाँ जी हाँ जी। राजू ओबराय यही रहता है? हाँ जी हाँ जी इधर रहते हैं। जब बुला के लाओ जल्दी। मैं भी आया। मैं ही हूँ राजू ओबराय, मैं ही हूँ। हाँ शक्ल से तो ऐसा लग गया है सुबह हल्का होने को पटरियों में जाता दिखे। भाई ये ओबराय इनके घर की खुद की पटरियाँ होंगी। अच्छा आ, शर्म नहीं आ रही? आ, घर में लिफ्ट तक नहीं लगवाई? लिफ्ट की क्या बात है, चार ही तो सीढ़ियाँ हैं। अरे नाम सर ने धर लिया ओबराय है, घर में चार सीढ़ियाँ हैं। अरे हमारे घर में देख 200 सीढ़ियाँ हैं। हाँ उन्हीं पे चढ़ चढ़ के तो घिसी है ये। अरे भाई पहली बार मिली हो, लड़ना शुरू कर दिया तुमने, बात होती है। अरे चुप रहो तुम। अरे जो करना ना पहली बार में ही कर लेना चाहिए, फिर यूं कहेंगे ये कि भाई शादी के बाद ब्याह के बाद बदल गए। तुम भी तो बदल गए हो। यो मेरे में क्या कमी है भाई है? एक मिनट, कमी है विटामिन डी के अलावा क्या धरा है शरीर में? था क्या थारे पास हैं भिखारी कहीं के हैं? मेरे पिताजी ने करोड़पति बनाया इन्हें। बताओ शहर की छोरी को ब्याह के गांव में चले गए ये। ओ वैसे फैमिली कैसी भी हो कोई ना कोई गरीब निकल ही आता है। खैर वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए आपको यहाँ तक आने के लिए तकलीफ तो नहीं हुई? अरे क्या तकलीफ नहीं हुई, क्या तकलीफ नहीं हुई? फ्लाइट में ना तो कोई एयर होस्टेस थी, न्यू कहने को वेलकम आई आपका स्वागत है, है? ना किसी ने कुर्सी की पेटी बांधने को कहा, ना किसी ने चाय पानी को पूछा हमें। टेक ऑफ लैंडिंग भी नहीं हुई। अरे हाँ वो क्योंकि तू बस में आई है। एक मिनट, तुम हमें बस में लिया है? तू हमें बस में लिया है? लिया है। मित्तल खानदान की छोरी को बस में लिया है? अरे जिसे सारी दुनिया बस में ना कर सकी उसे बस में लाए। आ चलो तुम घर, घर चलो। सारी बिल्लियां ना छोड़ी ना मैंने मुंह नोचने को तो ऊसा नाम ना है मेरा है? नहीं नहीं ऐसा मत करना, दोनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी। कहने का क्या मतलब हो रहा है, मेरा चेहरा जो है बिल्लियों ने नोच खाया है? वही। नहीं 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 आप तो खूबसूरत ही बहुत हैं। एक मिनट, हमारे घर में शीशा है आईना है, खूब पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे मित्तल खानदान की छोरी हो रहे हम, पैसे की कोई तंगी ना है हमारे यहाँ, समझ में आया? अरे यार तुम बेवजह गरम हो रही हो। अच्छा तो इब मैं गरम होने की वजह ढूंढती फिरू कहाँ है? अरे मैं तो बचपन से ही हॉट हूँ, आई एम हॉट। तुम्हारे जैसे चूल्हे जैसा मुंह नहीं है ना मेरा, वरना मैं भी हॉट होता।
अच्छा तो मैं माइक्रोवेव ले आता, मेरी किस्मत फूट गई। अरे मैं डरा गया। अरे तारी किस्मत क्या फूट गई, पछता तो मैं आ रही हूँ। अरे तू क्यों पछता रही है, पछताना तो मुझे चाहिए। मैं क्यों पछता रही हूँ तो नहीं पता, पर पछता रही हूँ यो पता है मुझे। ओहो आप यहाँ पर लड़िए मत, बाहर जाकर एक दूसरे को तलाक दे देना। आप यहाँ पर बैठिए, आपके लिए अभी चाय पानी का प्रबंध करता हूँ। छोटू जल्दी ला, अदरक डलवा लियो। छोटू छोटू माई सेल्फ बिट्टू शर्मा। हाँ जी मेरा नौकर। आप चाय रहने दो। छोटू चाय कप में डालो। इनकी चाय मत बनाना, इनको डॉक्टर ने मना किया है। अरे डॉक्टर ने कदम मना किया मुझे चाय पीने को? याद नहीं शादी से पहले तो डॉक्टर को कह रही थी चलो चाय पे चलते, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अरे काश वह चाय पी लेता तो ये जहर मुझे ना पीना पड़ता। एक मिनट, एक कप खोलती हुई गर्म चाय मिलेगी? लेकिन आप तो चाय पीती नहीं है। ना इनके थोड़े में फेंके मारनी है मुझे। छोटी छोटी बातें छोड़ो जी आप। ऐसा है मैं कोई छोटी छोटी बात नहीं करती। हाँ मित्तल खानदान की छोरी हो रही हूँ। हमारे घर में अगर सब्जी भी आवे ना रसोई में तो ये बड़े बड़े टमाटर आया करे। ये बड़े बड़े तरबूज होते हैं, टमाटर इतने से होते हैं। अरे अब के कहूँ, छोटी चीजें अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। तो आपके टाइम पे क्या हो गया था फिर? एक मिनट, आप इतने बड़े आदमी, आपके घर में कार है? दो दो है जी। इनकी छाती में चलवाओ। भाई साहब आपके पास माचिस है? हाँ, इनको बंद कर दीजिए उसमें। देख लिया ये इज्जत हो रही है हमारी, छोरी देखने आए हैं ये इज्जत हो रही है हमारी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, छोटू मेहमानों के लिए कुछ ऐसा लेकर आओ जो आज तक इन्होंने ना देखा हो। आपका मुंह तो देख लिया और क्या लेके आऊं। अरे यार ये कैसा बदतमीज नौकर है, इसको नौकरी से निकाल के नहीं देते? क्या करें आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहां पर? बिल्कुल नहीं मिलते थे अच्छे नौकर। आजकल जो नौकर मिलते ना चाय बनानी ना खाना बनाते, मुंह उनका देखो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने पैर से सिगरेट बुझाई हो। ऊपर से नौकरों की शादियों की बड़ी पड़ी है नौकरों को कि शादी करनी है शादी करनी है। साहब जी आप कैसी बातें कर रहे हो? हैं साहब जी? नहीं मेरे कहने का मतलब आपने साहब से कैसी बातें कर रहे हो तुम? कवर तुम भी अच्छा कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। क्या मतलब हो रहा धारा? मतलब हाँ। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पनीर होता है देखने में पनीर होता है लेकिन बनता तो दूध से है ना, लेकिन दूध दूध थोड़ी ना होता है, दूध तो दही में बनता है। तो दही जो होता है, दही भी तो बेसिकली दूध होता है ना, तो दूध तो खोया भी बनता है, तो प्रॉब्लम काफी है। अरे खोया पनीर दूध दही क्या लगा रखा, मेरे तो दिमाग की दही होगी। अच्छा होगा दिमाग की दही होगी क्योंकि पहले भूसा भरा था। ये बातें छोड़िए आप, फटाफट से मुझे ये बताइए वो शादी में लड़की कहाँ है? लड़की कह रहा फावड़ा? अरे लड़की के बारे में क्या कहूँ, लड़की तो हमारी लाखों में एक है। लाख ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। महंगी? अच्छा एक मिनट रुको, ये भाई और पैंट मिलेगी थोड़ी देर को? क्यों? अरे पैंट पहन के उछल के लात मारूंगी मैं इसके मुंह पे। भाई साहब आपने जुराब पहनी है? हाँ पहनी है। तो ये दाएं पैर की निकाल के इनके मुंह में क्यों ठूस देते? वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या है लगा रखी है? क्यों यार मैं हाथ उठा दिया ना, फिर देख रहे तू कहीं का नहीं रहेगा। मैं ताली मार के उड़ा दूंगा। छोटू भाई इतना जोर की मत चीख, तेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे, उसको कुछ नहीं जाना। अरे लड़की कहाँ पे रह गई? अरे लड़की बाहर है, ऑटो वाले से बात कर रही है। इस बार तो पैसे पूरे दिए थे, फिर क्यों बातें कर रही है? सुनो तुम फिकर ना करो, मैं बुला के लाती हूँ उसे। है जी रुको तुम यही। पूजा अरे कहाँ है तू? क्या बात होगी? बाहर जा रही है? हाँ तो दरवाजे से क्यों जा रही है, नाली में बह के निकल जाओ। वेरी गुड यार, अच्छा हैंडल कर लिया तुमने इसको, वरना मेरे से नहीं होती है। मेरी बेटी
देखा कितनी देसी लड़कियां हमारी, रहन सहन खान पान सब कुछ देसी, बल्कि शराब भी देसी पीती है, सत्तू पीती है। अच्छा, नमस्ते कर लो भाई। नमस्ते जी। माफ कर, होकर नमस्ते कर रहे हो, ये नमस्ते मेरे लिए। हेलो, कैसी हैं आप? मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, लेकिन आप बड़े गए गुजरे लग रहे हैं। नहीं, आजकल मौसम बड़ा खराब चल रहा है ना, गर्मी बड़ी है, लेकिन रात को मौसम ठंडा हो जाता है तो मैं ठीक हो जाता हूँ रात को। ओह, तो मतलब जब आप गर्म हो जाते हैं तो आप बुरे लगते हैं। ये गांव में पली बड़ी के पूरे गांव को इसी ने पाला है। खुले विचारों की है, इसलिए ऐसे है। तभी शहर इनको बोलो अपने विचार थोड़ा ढक के रखे। विचार खुले हो चाहे ढक के रखे, तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? ये मुझे देखने आई है ना? अरे जी, आप चिंता मत करिए, हम एक ही टाइम में सबको देख लेते हैं। अरे समझे नहीं, ये एक्चुअली एक बार जंतर मंतर देखने गई थी, 10,000 लोग देख लिए थे एक साथ। वैसे कवर तो आप भी अच्छा कर लेते हैं। भाई जी, आपसे सीख रहे हैं। वैसे लड़का करता क्या है? इनके दुबई में कुएं हैं। हाँ जी। अच्छा। तेल के? नहीं नहीं नहीं, खाली कुएं, तेल मना किया डॉक्टर ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये कैसा बदतमीज नौकर, इसको कुछ कहते क्यों नहीं? छोटू, ये तो मैं भी कह लूंगा, इसे कान के नीचे दो एक। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक मिनट या। अंदर चलो ये रहा। बताता हूँ आप मेरे को अंदर जाके ठीक करो। अंदर आप आ जाओ, अंदर चलते हैं। आप ही ठीक करता हूँ इसको। ये करने की क्या जरूरत है? छोरी, अरे अब तक तो देख लिया होगा, छोरा जल्दी कर, वो ऑटो वाला वेट कर रहा है। क्या अकेले वेट कर रहा है? हम जाके उनसे बात करें क्या? एक मिनट, पराए मर्दों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू अब तक क्या बात कर रही थी उससे? अरे मेरे लिए पराया थोड़ी है वो। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? हम लड़की वाले हैं, आप कौन है? मैं कौन हूँ? ये घर मेरा है। अच्छा, सीमेंट है आप? What? नहीं, घर सीमेंट के ही होते हैं ना। दिमाग खराब है क्या आपका? एक मिनट, इनकी बात पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं, बेवकूफ है ये। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम इस घर के मालिक से अपनी छोरी का ब्याह करने आए हैं। क्या? शक्ल तो खराब है ही, दिमाग भी खराब है क्या आपका? हाँ, इस घर के मालिक शादीशुदा हैं। क्या शादीशुदा है? पर उन्होंने तो कहा था ना कि कुंवारे हैं। कुंवारे? अब भी खबर लेती हूँ मैं उनकी। शर्मा जी, मेरी कॉपी क्यों कर रहे? मैंने अपने नौकर को अच्छी तरह से समझा दिया है, दांतों के भूत बातों से नहीं मान लेते, तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी परांठा खाया? परांठा नहीं, कराटा खाओ फिलहाल। क्या कहा था आपने? हाँ, कुंवारे हैं आप, कुंवारे हैं, झूठ बोलेंगे आप हमसे? अम्मा, इनके फेफड़े नोच ले। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी शादी नहीं, मैं कुंवारा हूँ। अरे तो फिर वो मेमनी क्यों कह रही थी हैं कि वो तेरी बीबी हो रही? मेरी बीबी? नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी कोई बीबी नहीं है। साहब जी सॉरी, आपको परेशान किया, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये देखो मेरा नौकर आ गया। नौकर छोटू, इनको बताओ फटाफट कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। कुंवारा का एक नंबर का छुआरा ये। एक्सक्यूज मी, अपनी टाइमिंग बंद करेंगे, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अरे तुम्हारी जिंदगी का जो भी सवाल है हमसे पूछो, हम जवाब देंगे आपको। जवाब मुझे चाहिए। अब शर्म नहीं आती घर में बीवी के होते हुए बाहर से लड़की ला रहे हैं? ये कौन है? ये इस घर के मालिक की पत्नी है। ये तुम इस घर के मालिक की पत्नी हो? जी हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो अब राजू से पूछ लीजिए। राजू बताओ। हाँ जी, ये मालिक की पत्नी है, लेकिन वो मालिक मैं नहीं हूँ। मालिक तो एक ही होता है, मालिक दो कभी होता नहीं, सुना ना आपने? सबका मालिक एक है। एक सेकंड, मैं इनकी पत्नी हूँ और ये ही मालिक है। अच्छा, मेरे को बताया नहीं किसी ने। लेकिन ये तो नौकर है ना? नहीं नहीं, ये मालिक है।
मालिक मालिक नहीं मालिक मालिक मतलब अनु मालिक नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब अनु मालिक के गाने इनको बड़े पसंद है, गाते क्यों नहीं हो साहब जी? ये तो अल्ताफ राजा का गाना है। वो भी तो अपनी मर्जी के मालिक है, उनको रोक थोड़ी सकते हम। नौकर ये है, कम से कम शक्ल तो देख लिया करो कि कौन नौकर है कौन मालिक है। हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे शक्ल की बात कर रही है, तू भी तो बंदरिया लग रही है शक्ल से। ले तू तुम भी चिंपैंजी हो। अरे छोरी कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ तुम नेमली लग रही हो। नेमली? या तू पासी उमराव जानू बता कहीं की इससे पहले बात हमारे मुंह पे आए, चलो यहाँ से भाग लेते हैं। पर आप तो चल नहीं पाते। चलता मैं ठीक नहीं हूँ, भागता प्रॉपर हूँ। अर्धांगिनी पर यहाँ ठीक करो, मैं बाहर जाके पीटता हूँ। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं असली स्टार। हाय 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 हाय, अपने आने से पहले अपने बंदे बेचकर क्या माहौल सेट करवा दिया। ले पुत्र लस्सी पी। अच्छा ठीक है, लेकिन कपिल कहाँ है? हाँ वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल क्या है ना, उसने ना आज 5-6 ग्लास लस्सी पी ली। अच्छा। तो उसका पेट खराब हो गया, तो उसने ये कहा है कि आज का शो मेरा सनी होस्ट करेगा। मैं होस्ट करूंगा, ये पकड़। मेरे तोते उड़े हुए हैं और तू कौवे की बात कर रहा है? और मैं शो वो नहीं कर सकता। लस्सी पी ले, जान में जान आ जाएगी। चल सनी जी, सनी जी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, वो सेम जोक आप ऑडियंस को सुना दीजिएगा। एक बार हाथी को चींटी से प्यार हो जाता है, तो हाथी चींटी से कहता है कि तू एक काम कर, मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे घुमाने ले जाता हूँ। तो चींटी पीठ पे बैठ जाती है। वो चल के जा रहे होते हैं तो आगे एक पहाड़ आता है। चींटी कहती है, पहाड़ चढ़ लोगे कि मैं उतर जाऊं? ये बस जोक आप ऑडियंस को सुना देना, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। यहाँ किसी को हंसी तो आ नहीं रही, तो ऑडियंस को कहां से हंसी आएगी? ये जोक है पलक। सनी सर, मैं आपको जोक सुनाती हूँ, वो इसके वाले जोक से तो बेटर ही होगा। आप ये सुना देना, बड़ी सही लाफ्टर आएगी। मेरे को अभी समझ में क्या आ रहा है कि तेरी और कपिल की पता क्यों नहीं जमती, क्योंकि तू ऐसे घिसे पिटे जोक सुना। ऑल द बेस्ट सर। Good evening, everyone. Welcome to Comedy Nights with Sunny Deol. दो दोस्त पेड़ के ऊपर लटके हुए थे। एक बेचारा गिर गया, दूसरे ने उससे पूछा, तू थक गया? बोलता, नहीं मैं पक गया यार। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते थे, तो इस बार वाइफ ने पूछा, मैं आई वांट टू टेस्ट यू, तू मुझसे कितना प्यार करता है? तो उसने पूछा उससे कि अगर मैं मर गई तो तू क्या करेगा? तो उसने बोला, सोचा थोड़ा, बोला मैं पागल हो जाऊंगा। बोला पागल हो जाएगा? तू दूसरी शादी नहीं करेगा? बोलेगा मैं इतना पागल थोड़ी ना हो जाऊंगा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अभी मुझे कहा गया है कि आई हैव टू मिमिक समबडी, तो व्हाई डोंट आई मिमिक सनी देओल? ये 2.5 किलो का है, जब किस पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। सनी पाजी इज ग्रेट। सनी पाजी के लिए जोरदार तालियां आप बजा ही चुके हैं, ये लेके जाइए यहां से। लोगों दिमाग खराब है, पाजी को किस काम पे लगाया हुआ है? सॉरी पाजी मैं थोड़ा लेट हो गया। कपिल तू सीखे थे? मैं पाजी मॉल गया हुआ था। अच्छा अच्छा, मेरे को तो बताया तेरा पेट खराब है। एक्चुअली हमारे घर में बाथरूम नहीं है ना, तो हम मॉल में ही जाते हैं, वो फ्री होता है। हमने पाजी बड़ा आइडिया लगा के रखा, हम लोग क्या करते हैं ना, खाली पॉलिथीन जेब में डाल के चले जाते हैं,
अपना काम करके बाद में उसमें हवा भर के ऐसे निकलते, लोगों को लगा शॉपिंग करके आए हैं। चलता है पाजी की फिल्म आ रही है घायल वंस अगेन, आप सब जानते हैं। जब घायल आई थी तब मैं कोई 6-7 साल का था पाजी, अब आ रही घायल वंस अगेन। पाजी आपको दोबारा घायल होने में इतना टाइम कैसे लग गया? 25-26 साल बाद आ रही दोबारा। अच्छा है ना, इतने साल तक मैं घायल नहीं था। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, पर आप दूसरों को तो करते रहते ना भाजी। वही बहुत देर तक भी कोई मिल नहीं रहा था किसी और को घायल कर लूं, तो इसलिए 25 साल रुकना पड़ा। अब मुझे ढेर सारे लोग मिले। 25 साल की कसर निकाल रहे हैं आप इसमें? इसमें निकाल रहा हूं। पाजी जब आदमी डायरेक्टर होता है उसके सर पे बहुत प्रेशर होता है, जब कोई एक्ट कर रहा होता है उसके सर पे बड़ा प्रेशर होता है। आप एक साथ इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब आप पहले एक्शन बोल के भाग के जाते थे, फ्रेम में खड़े होते थे, एक्टिंग करते थे, फिर खुद ही कट बोल के फिर मॉनिटर पे देखने आते थे। मेरे को थोड़ा बताइए आप कैसे डायरेक्ट करते हैं मुझे, आप कुछ कोई अपने डायलॉग आपको लगे जो कि आप मुझे डायरेक्ट करना चाहें अगर। अभी मेरे को कहानी सुनानी पड़ेगी, फिर तेरे साथ मेरे को वर्क क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वर्कशॉप करना पड़ेगा जी। फिर उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि फिर मैं फिर टेस्ट लूंगा, राइट? ब्लड टेस्ट, एक्टिंग टेस्ट। हाँ एक्टिंग टेस्ट, आजकल सब टेस्ट लेने पड़ते हैं। आप ज्यादातर ब्लड टेस्ट ही लिया लोगों का आपने? तू करेगा? मैं तेरे को एक डायलॉग बोलता हूँ, कोशिश करूंगा भाई। जी कातिया, तेरे घर आऊंगा, तेरे सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा, ठीक है? ओके भाजी। ये तो मैंने भी ऐसे ही किया है। अच्छा। जरा वैसे कर। आप वैसे करते ना, मैं थोड़ा ऐसे करता। अगर आपने ऐसे किया तो मैं वैसे कैसे करूंगा भाजी? मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश कर। पर एक बार वो फोर्स में होना चाहिए यार पाजी का। पाजी एक बार फिर से जरा। तुम सात भाई हो, तुम्हारे घर में घुस कर सातों को मारूंगा और एक साथ मारूंगा। क्या बात है। मैं ट्राई करता हूं। कातिया तुम सात भाई हो, तुम्हारा नाम सातिया होना चाहिए था। एक भाई और होता तो आठिया। मैं तो कहता हूं मम्मी पापा को बोलो 4 और पैदा किए, 11 भाई गट गया। अरे पता क्या है, वो रॉब जो है ना वो आप ही पे सूट करता है पाजी, हमारा कहां, मेरी तो अपनी हंसी निकल जाएगी। पाजी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा पाजी आप आए हैं तो आपके डांस की बात ना हो ऐसा मतलब हो नहीं सकता, तो पाजी देखो पाजी ये बात सच्ची है कि फवा है? देखे मैं जैसे पहले बीट बनती है फिर एक्टर डांस करता है, हमने सुना है कि आप पहले डांस करते हैं बाद में बीट बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। नहीं गुस्सा आया पाजी को? ओके अच्छा पाजी मेरे को किसी आपके जानकार ने मुझे बताया था कुछ मनाली में शायद आप शूट कर रहे थे, तो आप मेरे ख्याल कुछ तो हुआ था, कुछ बड़ा फनी किस्सा था वो। हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा अजीब सा किस्सा था। वो क्या था पाजी, आप शेयर करेंगे प्लीज? वो कॉमेडी नाइट का हिस्सा था। क्या हुआ, क्या था पाजी उसमें? मैं शूटिंग कर रहा था पिक्चर की और सर्दियों का मौसम था। अच्छा। बर्फ पड़ी हुई थी, एकदम ठंड थी वहाँ, तो मुझे बाथरूम जाना था। अच्छा। वहाँ कोई जगह नहीं थी और गांव था, और वो मनाली ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों में फिर हनीमून वाले बड़े टूरिस्ट आ जाते हैं। हाँ। भरा भरा होता है। तो मैं गया, देखा कहीं रूम सा एक घर सा था, मैं वहाँ गया बाथरूम गया। सो जैसे मैंने अबाउट टू बी ओवर देयर, तो उतने में देखा है एक कपल आ रहे हैं, सर 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 स्माइल सर।
मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं उनकी तरफ दौड़ा. बहुत गुस्सा आया. मैं दौड़ा उसके पे, पर बर्फ थी, दिखाई नहीं दिया. तो मेरा पैर सीधा अंदर गया, पूरा घुटना जाके एक पत्थर पे लगा. अरे बाप रे. उसका दर्द और ऊपर से मैं उनके ऊपर गुस्सा. और वो भागे ना, मैं कुछ कर पाया. तो ये मतलब तब बाथरूम हुआ नहीं था. और गुस्सा आता है आदमी को, होता है कि चलो यार. उस वक्त वो मॉल नहीं थे ना, मॉल होते तो चला जाता. ये भाजी, मैं भी एक बार ना यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे. होता है कई बार आप ऐसा खड़े हो, सेक्शन लगे होते हैं, आप ऐसा खड़े हो आराम से कर रहे. इधर दो एक और आदमी खड़ा. और भाजी तू अपना अपना करो, तुम निकलो यहाँ से. क्या है पर ये प्यार ही होता है भाजी लोगों का. पर ठीक है यार, प्लीज ऐसे मौकों पे मत. गुस्सा सबको आता है क्योंकि बाथरूम सबको आता है. आपको तो नहीं किसी को बाथरूम जाना ना हैं जी, पक्का? एक्चुअली मैं आपसे एक राज शेयर करना चाहता हूँ. आप जहाँ पे बैठे हुए हैं सीटों पे, वहाँ पे नीचे हमने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं. सीरियसली आप चेक कर सकते हैं. कितने लोगों ने चेक कर भी लिया भाई साहब. क्या यार. अच्छा इन्होंने, ये जो थर्ड रो में बैठे हैं, इनको शायद ना बीच में आइडिया था कि शायद मजाक तो नहीं कर रहा, बात तो करते. देख भी लिया, अभी भी देख रहे हैं. अरे कुछ नहीं है सर, मैं मजाक कर रहा था. मैं आप सबको बता दूं कि ये जो यहाँ पे विराजमान है, ये शो को एंजॉय नहीं कर रहे हैं. ये फिल्म घायल वंस अगेन का हिस्सा है. और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तीनों ने पहली बार सन्नी पाजी के साथ काम किया, राइट? तो कैसा लग रहा है, जिनको आप बचपन से पर्दे पे देखते आ रहे हो, आज आप उनकी फिल्म में हैं और बड़े अहम किरदार निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सन्नी पाजी के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा लगता है जब ये लेवल के परफॉर्मर आपको डायरेक्ट करते हैं. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. और आप? जी मेरा नाम डायना है. सनी सर के साथ काम करके हर एक सीन बहुत डर लगता है कि कभी गुस्सा ना करे, पर कभी किया नहीं है. और आप ब्रदर, आपका व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम ऋषभ है. आपका किरदार क्या है फिल्म में? मेरा कैरेक्टर बहुत ही जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है. अच्छा, और मेरा आपका, आपकी जितनी सेहत है जॉइंट फैमिली से ही चाहिए. वैसा ही है, मतलब आप मूवी देखोगे, मतलब कैरेक्टर वैसा ही है मेरा. और बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर है, मतलब बहुत लविंग. और जो नॉर्मली बहुत डरता है बहुत चीज़ों से, नॉर्मली रिस्क लेने में बिलीव नहीं रखता, बट जब फ्रेंड्स की बारी आती है तो वो कुछ भी कर सकता है. अरे वाह, वैसा कैरेक्टर है. सनी पाजी को देख के कभी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई बदतमीजी करे, क्योंकि एक ऑरा ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसी है. पर पाजी बचपन में शरारती तो आप भी रही होगे. दर्शकों को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, क्या सनी देओल ने कभी पापा से मार खाई है? पापा से हाँ, क्यों मार खाई है? खाई है. तो आपको भी मतलब? हाँ, मैं अपने घर में था, वहाँ टेरेस के ऊपर मैं गुलेल के साथ मस्ती कर रहा था. बाजू की दूर वहाँ पर जियोम जी का बिल्डिंग थी, जियोम जी हमारे डायरेक्टर हैं, और मैं यहाँ से उनके कांच तोड़ रहा था. तो ऊपर से जब मैं जैसे नीचे आया तो पापा को समझ में आ गया कि कुछ ऊपर शरारत करके आया. तो बुलाया मेरे को. जैसे मैं उनके पास गया तो बोला कि तू ऊपर क्या कर रहा था, सुना कि बाहर से कोई कंप्लेन आई है. मैंने कुछ नहीं पापा, एक थप्पड़ मारा उन्होंने. मेरे यहाँ पर सिर्फ तीन उंगलियां थी. पाजी की तो एक उंगली इतनी बड़ी है ना धर्म पाजी की. वो तो आप थे, आपके तीन आ गए, हमारे तो एक ही आती. एक उंगली आती, चार दांत बाहर आते. नहीं पर गलती थी, पर उसके बाद पापा ने बहुत प्यार किया. जब भी बच्चों की बात आती है तो माँ बाप को ना कभी कभी ऐसा होता है कि कंपैरिजन बड़ा कर देते, देख फलाने का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा. धर्म पाजी जब भी आते हैं वो हमेशा एक बात करते हैं कि मेरा बेटा जो है सनी वो बहुत शाही है. पाजी कभी उन्होंने आपको कहा नहीं कि देख फलाने का बच्चा कितना खुल के रोमांस कर रहा है और तू हिरण को पकड़ता क्यों नहीं? कभी आपको बोलते नहीं थे? होता है कभी भी? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पे आके बोल देते थे वो. बोलते यार बड़ा समझाया उसको, वो समझ नहीं रहा. और मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मैं आज भी अगर किसी लड़की साथ रोमांस करूँ तो ऐसे पकड़ के तो मेरे को पता मेरी हीरोइन है. है?
भाई क्यों हॉर्न दे रहे हो? चला चला कर मेरी हार्ट बीट तेज कर दी है। जड़ा साहब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो इधर मैं गाना गा रहा था, आप इंटरव्यू क्यों चला कर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? बड़े बदतमीज है आप। अच्छा रुको, फिर मैं नीचे आकर बात करता हूँ। रुको जरा। हाँ आप बताओ क्या बात है? ये आपकी गाना गाने की उम्र है? ज्यादा ऊंचा सुर लग गया, सुर के साथ साथ आपकी किडनी मुंह में आ जाएगी। कैसी बातें करते हैं यार, मैं कोई जानबूझकर अपनी जान को खतरे में थोड़ी डालता हूँ। वो तो जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो मेरा गाना निकल आता है। ओ, आए, 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 आए। सन्नी आए हैं। ओ सन्नी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या हाल है? ढाई किलो का नहीं है, 250 किलो का लग रहा है। सनी मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ कि क्या बताऊँ। जड़ा साहब बैठ के बात करें, आप हिल रहे हैं, बैठिए। पाजी बैठ जाओ आप, ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। बैठ, इधर बैठो, आपको सनी पाजी के साथ नहीं बैठना है? नहीं बैठना, इधर बैठे, मेहमान आए हमारे घर में। मैं ना सनी जी, चलो आप बात करो, मैं पकड़ता हूँ। आप बात करो ना, आप बात करिए। सनी यार, मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ, मुझे पता चला कि तुम आ तो मेरे दिल में ना गार्डन गार्डन हो गया है। मैंने तुम्हारी बॉर्डर देखी और बॉर्डर देखने के बाद ना मैं अभी सेना में भर्ती होने चला गया। चड्डा साहब, आपकी उम्र तो अस्पताल में भर्ती होने की, आप किधर फौज में भर्ती हो रहे हैं? देखो मेरे साथ आराम से बात करो, मैं कोई आम सैनिक थोड़ी हूँ, मैं एक्टर सैनिक हूँ। एक्टर सैनिक मतलब? मतलब मैं बिना गोली खाए मरने की एक्टिंग कर सकता हूँ। और एक दिन आपने बीपी की गोली मिस कर दी ना, आपकी मरने की एक्टिंग सच्ची हो जानी है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूँ सनी, मैं सच में बता लूँ। सुनाओ तो सही चड्डा साहब, आप सनी पाजी को गाना सनी पाजी, मैं इतना अच्छे गाने गाता हूँ, आप मुझसे एक बार पूछिए कि गाना मैं कैसे गाता हूँ। गाना आप कैसे गाते हैं? मैं बाथरूम सिंगर हूँ बेसिकली। तो मुझे गाना गाने का इतना ज्यादा शौक है कि मैं अपना बाथरूम साथ में लेकर चलता हूँ। कहाँ, हमें भी सुनाओ चड्डा साहब अपना गाना बाथरूम में कैसे गाते हैं। तो वो तो फिर बाथरूम आएगा था। हाँ जी बाथरूम आए भाई। हाँ। 10 बंदे चड्डा साहब आपका बाथरूम उठा के ला रहे हैं, अगर आपने गाना सही ना सुनाया। बाथरूम ले जाओ भाई। वाह चड्डा साहब, बाथरूम तो बड़ा कमाल का है आपका। बहुत बढ़िया, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बाथरूम के साथ एक रूम अटैच भी बनाया हुआ है। रूम के साथ बाथरूम अटैच होता है? हाँ जी, मैंने बाथरूम के साथ रूम अटैच बनवाया है। इतना साफ क्यों बनाया, डालना तो गंदी अंदर। नहीं नहीं, मैं खाना भी खाता हूँ उधर बैठ कर। सन्नी यार, मैंने तुम्हारे सारे टैलेंट देखे हैं, और जो कातिया को ऐसे ऐसे करके मारा, और भी मैंने सारे तुम्हारे टैलेंट देखे, लेकिन एक टैलेंट नहीं तुम्हारा देखा मैंने, गाने तुम्हें कभी गाते हुए देखा। मैंने सुना है कि तुम भी इंटरनेशनल लेवल के बाथरूम सिंगर हो। तो मैं कहता हूँ आज मौका भी है, दस्तूर भी है और बाथरूम भी है। तो हो जाए फिर दो दो आप। मेरा यार सुननी है, सुननी एक गाना। गाना की काम है? गाना गाना है। मैं निकला गड्डी ले। मैं आपा इतना कर दे। हाँ जी, कितना कर दे? तू गाना गा, मैं लिप सिंक कर दे। चलो हाँ। कपिल तू गा। अच्छा मैं बताऊं, मैं ज्यादा हूं दावा। हाँ कितना साहब, शो शो मेरा ज्यादा नहीं बोलना, मुक्का वाला। मेरे ऐसी जगह चोट लग गई है कि मैं यहाँ थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ। पंजा लड़ा लो सन्नी पारी से। हाँ पंजा लड़ा लो, आ जाओ। आपको बड़ा जोश चढ़ रहा है चड्डा साहब। एक मिनट, क्या बोला आपने? सुनी पुरजे आपके बाहर लीक हो रहे हैं। क्या बोला आपने अभी? पंजा लड़ा रहा आपको मैं सनी पारी से। मेरा फोन आ रहा है। हेलो हेलो।
अब वक्त है फिल्म घायल वंस अगेन की दो बहुत ही खूबसूरत अदाकाराओं से आपको मिलवाने का। प्लीज आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा सोहा। बहुत स्वागत है सोहा। आप शादी के पहले आई थी, अब शादी के बाद आ रही हैं। जी हाँ, मेरा प्रेजेंट कहाँ है? हैं? शादी के बाद जब पहले बार आते हैं ना तो तोहफा वोफा मिलता है ना? मुंह दिखाए। मैंने अपनी बीवी को नहीं दिया कभी। इसका जी आपका नाम बड़ा यूनिक है, टिस्का। ये आइडिया था किसका? आप नाम बताएंगे इसका? बड़ा मेरे फादर का आइडिया था। वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था टिस्का। अच्छा। और वो हर चीज में अच्छी थी और फिर मैं निकल आई। पर आप तो ज्यादा अच्छी निकल आई। वाह। अच्छा, सोहा का जो नाम है वो ऑलरेडी पेट नेम है, जैसे कभी कभी प्यार से रखते थे ना, सुहासिनी का सुहू सुसु। जैसे हम लोग रख देते ना कि मंजरी है बीवी का नाम, तो उसको प्यार से मंजू बुला लिया। सोहा आपका ऑलरेडी नाम सोहा है। I know. तो कुणाल आपको और छोटा नाम करके कैसे बुलाते होंगे? सो के हा हा। Actually, वो मुझे सोहू बुलाते, जैसे सैफ को सैफू, सबा को सबू, तो मुझे घर पे सोहू बुलाते हैं। सोहू बुलाते हैं, शब्द उतने ही है। हाँ, वो क्या कर सकते हैं, टाइम उतना ही लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब घायल वंस अगेन जो आ रही है उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि आप उसमें शायद डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। जी हाँ, एक साइकाइट्रिस्ट का रोल है। अच्छा। और सनी सर मेरे पेशेंट हैं। अच्छा। और मैं उनको संभालती हूँ। ऐसी डॉक्टर हो तो सारे पेशेंट हो जाते हैं। तो कोई होता नहीं है। किसका आपका क्या किरदार है उसमें घायल वंस अगेन में? बहुत ईजी रोल था मेरा। मैं शहर की या देश की सबसे अमीर औरत का रोल कर रही हूँ, सिर्फ पति के पैसे संभालने। अच्छा, आपको लगता है कि लड़कियों को ऐसे रियल लाइफ में अच्छा लगता होगा कि मेरा पति बहुत पैसे वाला हो, मैं सिर्फ पैसे संभाल लें? क्या कुछ अपना चाहती लड़कियां? संभालने उड़ाने वही संभाल तो नहीं रही होंगी, मतलब वैसे राइटर ने ऐसे लिखा होगा आप पैसे संभालती हैं। तो वो क्या करेंगे अगर हम खर्च नहीं करेंगे? तो वो तो एक ही अमाउंट रहेगा ना, उसको कम करेंगे तो वो बढ़ाएंगे ना फिर से। ये भी आए, उनको भी कुछ एक्टिविटी चाहिए लाइफ में कि नहीं? हाउ क्रिएटिव। मैंने आप सबको बताया, मेरे को तो सनी पाजी के डायलॉग कैसे याद है, सनी पाजी को भी नहीं याद होंगे शायद। एक एक डायलॉग याद होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा पाजी, इन्होंने मुझे कहा था जब आप आने वाले थे, इन्होंने कहा कि हम लोग ट्राई करना चाहते हैं सनी पाजी के डायलॉग अपने स्टाइल में, या कुछ लोग शायद आपका स्टाइल कॉपी करेंगे। कौन है मेरे दोस्त जो हमें बोल रहे थे? जी एक ये है, और कौन है? एक वो है। ओके, और महिला भी है तो आप। अच्छा, डायलॉग का जेंडर चेंज करके बोलेंगी? ओके जी, तो सबसे पहले ओके लेडीज फर्स्ट। आपको सर्दी नहीं लग रही? अच्छा, सनी देओल का डायलॉग बोलना ना, धर्म जोशी जी। अब एक काम करेंगे, इस तरफ जो अंकल बैठे उनको जगा देंगे थोड़ी देर। जा रहे हैं? ओके ओके ओके। नहीं नहीं, आपकी आंखों के आके आपके आईब्रो आए थे, मुझे पता नहीं चला। सॉरी। एंजॉय सर, एंजॉय सर। जी मैम, क्या क्या बोलना चाहते, कौन सा डायलॉग बोलना चाहती हैं आप? ओए, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। देखो ऐसा हाथ करके, 350 ग्राम। ओके, कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली में तो बहुत सर्दी पड़ रही होगी। हाँ। तो दिल्ली वालों को मुंबई में सर्दी इतनी लगती नहीं है ना। हाँ। तो यूज्ड टू ज्यादा वहाँ पे तो सर्दी होती है। तो आप दिल्ली में क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। गिल्ट किस बात का है? मेरा गला बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया जी, गला कैसे बैठता है। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, धन्यवाद। और मेरे कोई दोस्त जो इधर डायलॉग बोलना चाहते थे, पाजी का डायलॉग क्यों बोलना चाहते, उन्होंने ठीक नहीं बोला? नहीं सर। जी। हाँ जी सर, मैं मेरे अंदाज में बोलना चाहता हूँ। अच्छा। आपके अंदाज में? यस सर। अच्छा, आपका अंदाज कैसा है सर? बताता हूँ जी, बताइए। कातिया, ये मजदूर का हाथ है, ये सोने ये लोहे को पिघला के वो आकार बदल लेता है, और आप मुझे बोल रहे कि मेरे लिए काम करो। काम करो?
तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? वो आप कहे तो भोकू, आप कहे तो काटो, पर आगे से काती हंस के मर जाएगा। क्या करते हैं ब्रदर आप? सर मैं टीचर। डायलॉग खराब करने के अलावा और क्या करते हैं? टीचर हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा, स्कूल में या कॉलेज में? नहीं सर, स्कूल में। अच्छा अच्छा, तो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? फर्स्ट टू सेवेंथ। फर्स्ट टू सेवेंथ? मुझे पता है टेंथ वाले मानेंगे भी नहीं आपकी। नहीं नहीं, जस्ट ऐसे मजाक कर रहा हूँ सर। चलिए, आप अकेले हैं फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ है सर। कहाँ है आपकी फैमिली? उधर उधर है। दो बच्चे हो गए तो बीबी को अलग बिठा दिया। वाह, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया भाई साहब, पर आपने बड़ा प्यारे तरीके से बोला, मजा आया सुन के। थैंक यू सर। अच्छा, हमने एक ये भी सुना है कि आप एक सीन में कुछ तो आपका आपके किरदार के साथ कुछ ऐसा होता कि आप सन्नी पाजी को और उस किरदार को आप थप्पड़ मारती हैं। Is it true? Actually, मुझे मालूम नहीं था। एक बार सनी सर ने मुझे बुलाया सेट पे, उन्होंने कहा कि कल हम एक सीन करने वाले हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसमें कुछ लाइंस नहीं है, जो आपको नेचुरल फील होता है वो आप कहिए, और जो आपको नेचुरल फील होता है वो आप करिए भी और कहिए भी। तो आई सेड कि आप क्या करने वाले हैं? सेड मैं थोड़ा सा गुस्सा होने वाला हूँ। तो आई सेड ओके, एनी सेड मैं थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा होने वाला हूँ, तो आपको जो करना है मुझे संभालने के लिए आप कीजिए। तो आई सेड ठीक है, एनी सेड अगर आपको लगे कि आपको मुझे थप्पड़ मारना हो तो आप करिए। एंड आई सेड कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो फीलिंग आने वाली है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने लाइफ में किसी को थप्पड़ नहीं दिया है, लाइफ में सिवाय दिया क्या थप्पड़ लिफाफे में डाल के देते किसी को? दिया है क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं, मारते हैं। अच्छा, थप्पड़ मैंने किसी को थप्पड़ मारा नहीं है। यार नवाब है ना, उनको एक्चुअली नहीं पता कि थप्पड़ मारना क्या होता है। ओके, होता है सिवाय सनी देओल, जिनको मैंने काफी थप्पड़ मारे हैं। लेकिन मारा भी किनको? सनी देओल को। एग्जैक्टली, पूछा भी। मेरे जैसा होता फिल्म ही छोड़ देता। नहीं, मैंने नहीं मारना, क्योंकि मैं तो मार दूंगा फिल्म में, अगर उन्होंने मार दिया फिर क्या होगा? तो मेरी थप्पड़ी है गिवन हिम अबाउट 35 और सीधे हाथ से उल्टे हाथ से, मतलब सब किस्म के मैं सीख गई हूँ अभी। और मैंने पूछा हर एडी से, मैंने पूछा, मैंने कुणाल से भी पूछा, क्या मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ प्लीज? क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। कोई भी मतलब रेडी नहीं था, प्लीज, रियली अनकोऑपरेटिव पीपल। ये कोई इस रिहर्सल में मतलब कैसे कोई साथ देगा? हाँ जी मैम, का मेरे थप्पड़ मारी आपने, तो ठीक है फिल्म में। अच्छा पाजी, आप हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखते थे, अगर कोई गलती हो जाती थी तो डांटते किसे थे? अपने आप को कभी डांटा शीशे में देख के? सनी क्या कर रहा है, ये तो दोबारा करना पड़ेगा ऐसे? सो हॉट इसका सनी बाजी, यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं ये सब आपकी फिल्म के लिए बड़े उत्सुक हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं। एक मिनट। जब देखो ऑडियंस क्वेश्चन। अरे मेरी बच्ची कैसे हो? आदाब तिस्का। सनी डॉली रिटर्न्स। अरे हम घर वालों का भी तो हक बनता है ना कुछ सवाल पूछने का। डोंट वरी, ये मैंने रख दिया। ओके, ये भी रख दिया। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा मतलब मेरे धर्म जी जब यहाँ आए थे ना, तो वो बता रहे थे कि तेरा वो पहला रोमांटिक गाना था ना, कौन सा था? बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। उसमें तो बड़ा अभी भी सुन के नर्वस हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नर्वस हो रहा था, घबरा रहा था, सच है? पापा कह रहे थे, पापा बता रहे थे। मुझे याद नहीं। याद नहीं? नहीं, अभी सब याद आ जाएगा। कैसे? मैं बताती हूँ। उस पार्ट फिल्म को तो बहुत अरसा हो गया। हाँ। उसके बाद तुम और भी बड़े हो गए, फिर अब तुम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बन गए हो, है ना? तो तुम्हें तजुर्बा तो काफी हो चुका होगा। मैं देखना चाहती हूँ उस गाने पे अब तुम कैसे परफॉर्म करते हो। या डोंट वरी, इट्स विद मी। क्या? तो और नर्वस हो जाएंगे तुम्हारे साथ, पता भी नहीं चलेगा। सनी झट से शुरू होगा, फट से खत्म। चलो गाना बजते सब याद आ जाएगा। और घबरा मत, मैं पूरा मूड बना के लाई हूँ, देख।
बारिश था ना, जब तक वेट फीलिंग नहीं आएगी मजा नहीं आएगा। मैं ये गिल्ला नहीं, सब ऐसे हाथ रख के फिसल जाऊंगी। I'm ready, बजाओ। सारा फर्क गीला कर दिया आपने, ऐसे उल्टा लेट के मारो, ऐसे स्लिप मारो उस पर। ठीक है, शाबाश, थैंक यू। अरे ऐसे अच्छा लगता है, चाट लो। थैंक यू, ही इज मैच्योर्ड नाउ। जी तो हमारे दोस्त जो सनी पाजी से टिस्का सोहा से बात करना चाहते हैं, आप लोग। हाय एवरीवन, मेरा सवाल सोया जी से है। जैसे धर्मपाल जी ने और शर्मिला जी ने सारी मूवीज में इतना अच्छा रोमांटिक किया है, तो मैं चाहती हूँ आप और सनी जी एक सॉन्ग पे हो जाए। शुक्रिया मैम, आप लोग जब ऐसी फरमाइशें करते ना तो हम ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती जो हमने भी कभी सोचा नहीं होता। एक्चुअली धर्मपाजी और शर्मिला जी की जोड़ी जो है वो बड़ी खूबसूरत लगती थी पर्दे पे, और आपने बहुत अच्छा। शुक्रिया मैम। और मेरे कोई दोस्त आओ। गब्बर, नमस्कार कपिल सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपके धागे लगे रह गए शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही फैशन है। आप तो आपके पिक्चर में सारे स्टंट खुद कर लेते हैं। साउथ में तो एक आदमी को उड़ाने के लिए स्पेशल इफेक्ट का सहारा लेता है। हमें चाहता है कि आप भी साउथ में एक ट्राई क्यों नहीं करें। साउथ में ट्राई नहीं करता। अभी आपने कह लिया, लोगों ने देख लिया होगा, वहाँ पर तो जरूर कुछ करूँगा। अच्छा, आप साउथ का डायलॉग बोलना चाहता है क्या सर? अच्छा, सनी पाजी का कोई डायलॉग आपको आता है? नहीं आता। मैं आपको सनी पाजी का एक डायलॉग देता हूँ। आप उसको अपनी लैंग्वेज में जान ले लो, गोली मार दो मुझे। कितना टी शर्ट अंदर करो, क्या कराना अंदर, भाई चड्डी नजर आ रही है आपकी, थोड़ा अंदर करो। आप लोग बोल के ध्यान दिलाते हो, अदरवाइज किसी को पता नहीं होता है। चुपचाप बातें हो रही थी, किसी का ध्यान नहीं था। आदमी की बातें सुनो, आपका ध्यान कहां कहां जा रहा है। आपको मैं सनी पाजी का डायलॉग देता हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज बोलना, ठीक है? कातिया, कातिया अपनी लैंग्वेज में। हाँ, कातिया। दूसरों को डराकर वो जीता है। जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है அவன் எலும்புல தண்ணி நம்பி இருக்குது। மர்த் பண்ண கா இத்தனை ஷோக்கா தோ குத்தோ கா சாரா லேனா छोड़ दे காத்தியா। ஆம்பளா ஆவுனா நாயோட நட் போய்க்காத। मेरे को ऐसा लग रहा है ये राशन लेने आए हैं। और डिटर्जेंट पाउडर, थोड़ा मीठा सोडा, थोड़ा, पर बड़े प्यारे प्यारे एक्सेंट में बोल रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, मेरा क्वेश्चन टिस्का से है। जी टिस्का ने सनी पाजी को एक परफेक्ट जेंटलमैन कहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक परफेक्ट जेंटलमैन के लिए इंसान के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, पर सनी सर में जो क्वालिटी है वो ये है कि वो अपना खाने का डब्बा हमारे साथ शेयर कर दिया करते थे। तो उनका खाना उनके पास जाने से पहले शूटिंग पे मेरे पास आ जाता था, और वो डब्बा देख के कहते थे, तू फिर मेरा खाना खा लेता आज। तो उनका खाना हम खा जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। बस वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ परफेक्ट जेंटलमैन। आप ब्रदर कहाँ से आए? मेरा नाम कमाल अहमद है और मैं धामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मुंबई में यहाँ जॉब करता हूँ, इलाहाबाद बैंक में। अच्छा, धामपुर से आए हैं, मुंबई में रहते हैं, जॉब करते हैं इलाहाबाद बैंक में। काफी आपका ट्रायंगुलर लव स्टोरी है आपकी। शुक्रिया ब्रदर। ठीक है सर, थैंक यू। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इतने समय तक हमारे साथ बने रहे।
और सनी पाजी थैंक यू सो मच, टिस्का थैंक यू सो मच, थैंक यू सुहा। सो इससे पहले कि आज की शाम को हम आप सबको अलविदा कहें, मैं घायल वंस अगेन का 3D पोस्टर जो है वो हाल ही में लॉन्च हुआ है, आप सबको हम लोग दिखाना चाहते हैं, प्लीज जरा लेके आइए। और मैं चाहूंगा कि फिल्म की बाकी कास्ट जो है, पहला 3D पोस्टर है इंडिया में, एक्चुअली ऐसे बनते नहीं है ये, आपको जब आप पिक्चर देखने जाएंगे थिएटर में तो आपको अक्सर ये वहां पे मिलेंगे स्टैंडिंग, इसमें आप अंदर जाके फोटो भी खिंचा सकते हैं मेरी तरह जैसे मैं खिंचवा रहा हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा विजुअली कि जैसे सनी पाजी उड़ के बाहर आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी मैं चाहता हूं कि आप ही हमारे दर्शकों को बताएं कि घायल वंस अगेन की रिलीज डेट कब है। माय फिल्म घायल वंस अगेन 15 जनवरी को रिलीज हो रही है और मैं चाहूंगा कि आप सब जाकर उसे जरूर देखें। अगर आपको मेरी पहली फिल्म घायल अच्छी लगी हो तो जरूर गो सी दिस फिल्म। अगर क्या पाजी, सबको बड़ी अच्छी लगी थी ऑब्वियसली। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब कमेंट्स में आए और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियां बांटे, साफ सफाई रखें और नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल।